श्रीदेवी को अपनी सौतन बनाने को तैयार थी योगिता बाली। ये हुई गड़बड़। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के लव अफेयर की 80 के दशक में बॉलीवुड में खूब चर्चा होती थी। एक समय में खबर यहां तक फैली कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने शादी कर ली। उस दौर में बॉलीवुड में सेकेंड मैरिज एक ट्रेंड बन रहा था। दरअसल 1984 में बनी फिल्म जाग उठा इंसान के शूटिंग के दौरान बाद श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के बीच प्यार के अंकुर फूट चुके थे। मिथुन दा श्रीदेवी से शादी करना चाहते थे, जबकि श्रीदेवी की शर्त थी कि पहले वो अपनी बीबी योगिता बाली से तलाक ले लें, तभी वो सार्वजनिक रूप से इस प्यार को स्वीकार करेंगी। मिथुन ने जब योगिता बाली पर तलाक का दबाव बढ़ाया तो योगिता ने आत्महत्या करने की कोशिश कर मिथुन दा के हौसलों को पस्त कर दिया। योगिता ने तब एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि दश अगर उनके पति श्रीदेवी से शादी करना चाहते हैं तो वो उन्हें अपनी पति की दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन वो मिथुन को तलाक नहीं देंगी। योगिता बाली के इस बयान के बाद मिथुन ने गेंद श्रीदेवी के पाले में डाल दी। अब श्रीदेवी को ये विकल्प चुनना था कि उन्हें मिथुन की दूसरी पत्नी बनना मंजूर है या नहीं। श्रीदेवी ने इस स्थिति से खुद को बाहर निकालने का फैसला किया और मिथुन से दूरियां बढ़ाने लगी। उन्हीं दिनों श्री ने एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुआ कहा था कि उन्हें किसी दूसरी औरत का घर उजाड़ने से बेहतर यही लगता है कि वो जिंदगी भर कुंवारी ही रहे। मिथुन के तीसरे बेटे नमाशी चक्रवर्ती के जन्म के बाद योगिता बाली से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। नए बच्चे ने माता पिता के रिश्तों में नई ऊष्मा भर दी। विडम्बना देख लिए मिथुन से छुटकारा पाने के बाद श्रीदेवी बोनी कपूर के प्यार में पड़ गई, जो पहले से शादीशुदा और दो बच्चों के पिता थे। ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि श्रीदेवी ने शादी से पहले ही गर्भधारण कर लिया। अब शादी दोनों की मजबूरी थी। श्रीदेवी से शादी करने के लिए बोनी ने पैसों की ताकत के बल पर अपनी पत्नी मोना से तलाकनामा हासिल भी कर लिया और रास्ता साफ होते ही दोनों ने शादी भी कर ली। इस तरह योगिता बाली ने मिथुन को श्रीदेवी के हाथों से छीन कर फिर से अपना घर बसा लिया।